आपके मकान पर कब्जा के नियत से 40 से 50 आदमी आने वाले हैं तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में। 2 मिनट के भीतर करीब 40 से 50, गिनती करना तो मुश्किल था उस समय, हम लोग के लिए प्रत्याशी थे, वो लोग सारे लाठी राइफल और पिस्तौल से लैस थे, एक एक करके घुसते गए, हम लोगों को बंधक बना दिया अलग अलग रूप में। मेरे और मेरे पिताजी पर उन्होंने कनपट्टी पर बंदूक से रिवॉल्वर सटा दी और धमकी 10 तरह के देने लगे। हर हरकतों से यही लगता है कि वो जमीन पर कब्जा करना था, प्लस हमें वो मारने आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, राजधानी पटना में अपराधी का खौफ पुलिस से पूरी तरीके से हट चुका है और अपराधी बेलगाम होकर के राजधानी में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला श्री कृष्णापुरी थाना अंतर्गत का है। हिमगिरी अपार्टमेंट के बगल में एक अस्पताल में हम पहुंचे हैं, जहां पर कि पिछले 33 वर्षों से डॉक्टर यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस ज़मीन को हथियाने के लिए तकरीबन 40 से 50 गुंडे यहां पर आए हुए थे। क्योंकि क्या मामला है, किस तरीके से यह घटना घटी है? परसों रात में हमें एक फ़ोन कॉल आया, उसमें ये बताया गया कि आपके मकान पर कब्जा के नियत से 40 से 50 आदमी आने वाले हैं तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में सोमवार को, यानी कि कल। तो हम लोग, रात की बात थी, रात में हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। सुबह में मैंने सब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आप प्रदेश प्रमुख जो हैं उनसे आप मिल लीजिए, इस बात की चर्चा ज़रूर कर दें। तो हम लोगों ने एक अपॉइंटमेंट लिया, DGP साहब से तुरंत हम लोगों ने मिला, उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी श्री कृष्णापुरी थाना को हम लोगों के सामने उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, उनसे अपॉइंटमेंट ले ली और हमें वहाँ पर भेज दिया कि जो भी लीगल एक्टिविटी, जो भी सनाह रिपोर्ट करना है आप उनको कृपया करके इस पूरे घटना या जो आपके साथ कॉल आया है उसके बारे में जानकारी आप दे दीजिए। ज़मीन किसके नाम पे है? ये हमारे नाना नानी जो सीनियर SP पटना थे उनकी ज़मीन थी और पिछले 40 साल से हमारे मम्मी पापा उनकी देखभाल कर रहे थे। बाकी जो रिश्तेदार में बहन लोग हैं और एक भाई हैं वो अमेरिका में पिछले 33 साल से रह रहे हैं। कितने लोग आए थे यहाँ पे हथियार के साथ? यहाँ पर हम लोग जैसे ही थाना प्रभारी से मिलने के बाद अपने क्लिनिक और आवास पर पहुँचे, उसके 2 मिनट के भीतर करीब 40 से 50, गिनती करना तो मुश्किल था उस समय, हम लोग के लिए प्रत्याशी थे, वो लोग सारे लाठी राइफल और पिस्तौल से लैस थे, एक एक करके घुसते गए, हम लोगों को बंधक बना दिया अलग अलग रूम में, हम लोग से मारपीट करने लगे। मेरे और मेरे पिताजी पर उन्होंने कनपट्टी पर बंदूक से रिवॉल्वर सटा दी और धमकी 10 तरह के देने लगे और तुरंत खाली करके, उनकी कोशिश थी, उनके साथ कुछ लोग आए हुए थे जो कि ताला तोड़ रहे थे हम लोगों के और ताला अपना लगाने की कोशिश कर रहे थे। और सारे लोगों जितने इवेंट की कुछ मरीज, इवन चेस्ट पेन से एक मरीज हम लोग के लेडीज पेशेंट लेटी हुई थी उसको भी खींच के उन्होंने बाहर कर दिया और उन सारे लोगों का मोबाइल उन्होंने छीन लिया और DVR कैमरा और CCTV कैमरा और जितने सारे उनको नज़र आए सामने में उपकरण उसको क्षति पहुंचाई और अपने साथ कुछ उठा के भी लेते चले। उनका मनसा जमीन पे कब्जा करना था? जी बिल्कुल, उनकी हर हरकतों से यही लगता है कि वो जमीन पर कब्जा करना था, प्लस हमें वो मारने आए थे क्योंकि वो बार बार हमें लेटा के जमीन पर घूसे लूटे चलाते हुए वो हमें चाह रहे थे कि अब फायर कर दें, अब फायर कर दें। तो पहले तो हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों ने हम लोग के बचाने की कोशिश की जिसमें उनको भी काफ़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया। ये लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए थे? हाँ, इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, पुलिस इसकी आ गई, 15 से 20 मिनट घटना को हुआ था शुरुआत किए हुए, वो आ गई, उनके चलते हम लोग की जान बच गई और 4 आदमी को उन्होंने ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद किया गया? जी बिल्कुल, उनके साथ राइफल 2 और 1 रिवॉल्वर की हमें जानकारी है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए? प्रशासन से हम लोग सब सहयोग चाहते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। अब सोचिए कि हार्ट ऑफ द सेंटर में एक 80 साल के बुजुर्ग डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, हमारा तो थोड़ा सा उनसे छोटी उम्र है, हमारे साथ हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है। तो हमें तो पुलिस पर ही भरोसा है,
और अब मीडियाकर्मी के द्वारा आप लोग उनके पास ये संदेश पहुँचाएँ कि डॉक्टरों की सुरक्षा, IMA भी जो है वो फुल सपोर्ट में हम लोग के आ रही हैं, डॉक्टरों को विशेष सुविधा दें और ये घटना जो है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अब आप सोच सकते हैं कि जिस 50 साल के लड़के के सामने में उसके 80 साल के बुजुर्ग को कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा के कहा जा रहा है कि अभी मार देंगे इनको और तुमको हम गंगा जी में अभी तुरंत ले जाके बोरा में बंद करके फेंक देंगे, चलो इसको उठाओ गाड़ी में ले चलो। आज जब वो उठा के ले जाने लगे इसी बीच में पुलिस आ गई और पुलिस के चलते हमारी जान। का नाम क्या है? LB अपराजिता हॉस्पिटल। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अंशुमन। डॉक्टर अंशुमन थे और ये अस्पताल है अपराजिता। अगर डॉक्टर ही राजधानी पटना में सुरक्षित नहीं है तो आमजनों की क्या बात की जाए। DGP आलोक राज नए DGP बने हैं, जिसके पश्चात पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से व्यवस्था जो है अब सुदृढ़ हो गई है और पुलिस प्रशासन पूरी एक्टिव मोड में दिख रही है। मामला ये है कि रस्केपुरी थाना अंतर्गत जो है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट काइंड ऑफ जो है हम लोगों को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लग रहा है, उसमें जो उभर के सामने आई थी जिसमें मैं डॉक्टर साहब से मिला भी, उनके पिता से भी मिला, और जो तथ्य मुझे अभी तक जो पता चला है वो ये है कि एक डॉक्टर संजय सहाय जो USA में रहते हैं उन्होंने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट एक बिल्डर के साथ किया है और वो बिल्डर के ही लगता है कि कुछ लोग वहाँ पे अपना राइट क्लेम करने के लिए आए, और वहीं पे डॉक्टर जो डॉक्टर अंशुमान है उनकी क्लिनिक है और उसके साथ उन्होंने जो भी है बगझक हुआ, उसके बाद जो है अब उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसके आधार पर FIR किया गया है। पुलिस को ये जो जैसे इसकी जानकारी मिली पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो भी लोग थे उनको जो है पुलिस अपने कस्टडी में ली है और आगे जो है अनुसंधान किया जा रहा है। बिल्डर के लोग जो आए सर वो तो अनलीगल तरीके से आए। हाँ यही बात, ये सिविल मैटर है तो इसमें पुलिस का कोई रोल है नहीं, लेकिन उनका तरीका चूँकि गलत है इसलिए इसमें जो है ये क्रिमिनल मैटर बन गया और उसके बाद उसी के आधार पर FIR की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी? हाँ, वहाँ पे जो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 40-50 लोग आए थे, तो वो हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि DVR वगैरह वहाँ से सीज किया गया है तो वो सब देखा जाएगा। और उस टाइम 4 लोग वहाँ पे थे, बाकी लोग भाग गए थे, तो उन 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उस पर कार्रवाई की। हाँ, जो एक आदमी थे 4 में से एक, उनके उन्होंने एक मतलब 2 गार्ड रखा हुआ था, पर्सनल सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड, उसके पास से हथियार बरामद हुआ है, लाइसेंसी है उनके पास, लाइसेंस वगैरह है, लेकिन ठीक तब भी चूंकि ये जो है नियम संगत कानून के अनुकूल नहीं है इस वजह से जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि अब डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए DGP आलोक राज क्या कड़े कदम उठाते हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। सहयोगी विकास के साथ मैं अजय शर्मा।